भाई ग्रैंड विटारा का ये कौन सा वेरिएंट है जो 30 किलोमीटर पर लीटर के माइलेज दे रहा है अच्छे खासे फीचर्स और साइज के साथ। वीडियो को पूरा एंड तक देखो, धीरे धीरे सारे डाउट्स क्लियर करता हूँ। हेलो भाई लोग, मैं हूँ रवि गुर्जर एंड आज अपने सामने खड़ी हुई सुजुकी की तरफ से आने वाली ग्रैंड विटारा हाइब्रिड के अंदर अभी अपने सामने खड़ी हुई है टॉप मॉडल, जो कि इसके ऊपर अभी कुछ आता नहीं है क्योंकि हाइब्रिड आ जाता है एंड ऊपर से टॉप मॉडल है अल्फा प्लस, तो अब इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। नीचे देखोगे तो इसके अंदर अपन लोगों को कोई भी फॉग लैंप देखने को नहीं मिलते, बाई फंक्शनल अपन लोग को इसके अंदर हेडलाइट देखने को मिल जाते हैं। इसकी एक्स शोरूम प्राइस की बात करूँ तो 19 से 20 लाख के आसपास इसकी एक्स शोरूम प्राइस पड़ जाती है। कोटा स्टेट की ऑन रोड प्राइस की बात करूँ तो यहाँ पे आज के आके 23 लाख प्लस ये ऑन रोड आ जाती है। बाकी ग्रैंड विटारा के बारे में एक चीज और बोलना चाहता हूँ, ग्रैंड विटारा और टोयोटा के हैरियर दोनों की दोनों सेम गाड़ी है, बस सुजुकी की उठा के वहाँ पे जाके टोयोटा का लोगो चिपका दिया। उसके भी टॉप मॉडल हाइब्रिड के अंदर अपन लोगों ने पूरा रिव्यू किया हुआ है। बाकी अभी अपने सामने है ग्रैंड विटारा, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस आते थे जैसे कि आप लोग अलॉयज वगैरह देख लो एंड छोटे मोटे लुक्स वगैरह, LED इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं DRL के साथ। नीचे अपन लोगों को यहाँ पे हेडलाइट सेटअप देखने को मिल जाते हैं। इस साइड दिखाओ तो अलॉयज आप लोग यहाँ पे देख लो, अपोलो के टायर्स के साथ 17 इंचेस के अलॉयज देखने को मिल जाते हैं। सेक्शन की बात करूँ तो 215/60R17 एंड कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, रियर में दिखाऊं तो रियर में भी डिस्क ब्रेक है, टॉप मॉडल है तो डिस्क ब्रेक तो अपन लोग एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। बाकी इलेक्ट्रॉनिक ORVM अपन लोग को देखने को मिल जाता है, यहाँ पे LED इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है। बाकी 360 डिग्री कैमरा आता है तो वो प्लेसमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ड्राइवर साइड अपन लोगों को यहाँ पे एक रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाता है जो कि सुजुकी की काफ़ी बढ़िया चीज़ है। बाकी यहाँ पे रियर में बॉडी कलर्ड डोर हैंडल देखने को मिलने वाला है, साइड से लुक देख लो कुछ इस टाइप का देखने को मिलने वाली है। रियर में एकदम कनेक्टेड टेललाइट देखने को मिल जाती है, मतलब पूरी कनेक्टेड भी नहीं है बट काइंड ऑफ अ कनेक्टेड बोल सकते हो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इतना पोर्शन ग्लो करता है, ये बीच में जो सुजुकी का लोगो है वो वाला पोर्शन ग्लो नहीं करता, बाकी इतना कनेक्ट करता है तो काइंड ऑफ मैं तो इसको कनेक्टेड बोलना प्रेफर करूँगा। बाकी हाइब्रिड की आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एंड ये जो ग्रैंड विटारा है ये नेक्सा में अपन लोग को अवेलेबल मिलेगी। सुजुकी के दो शोरूम होते हैं नेक्सा और एरिना, तो थोड़ी जो प्रीमियम गाड़ी होती है वो नेक्सा में आती है तो आप इसको एक प्रीमियम का टैग भी मिल जाता है। बाकी ऑल ओवर रियर लुक्स देख लो कुछ इस टाइप की है, ग्रैंड विटारा की बैजिंग वहाँ पे देखने को मिल जाती है। हाइब्रिड की वहाँ पे है वाइपर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप एंड डिफॉगर, सबकी प्लेसमेंट अपने लोग को देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अब आप लोग बोल रहे हो भाई इंडिकेटर कहाँ है, यहाँ तो इंडिकेटर नहीं है, तो भाई इंडिकेटर है यहाँ पे, रियर लैंप भी यहीं पे है, हैलोजन ही दोनों के दोनों है एंड रिफ्लेक्टर भी यहीं पे। चार पार्किंग सेंसर्स रियर में अपने लोग को देखने को मिलते हैं, 1, 2 एंड 2 एज इट इज उस साइड। फ्रंट से आप लोग ग्रिल देख लो एंड फ्रंट में कैमरे प्लेसमेंट की बात करो तो यहाँ पे जस्ट लोगों के नीचे देखने को मिलने वाला है कुछ इस टाइप से एंड हिडन है ना, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ लग रही है। एंड फ्रंट में ये क्रोम देख रहे हो कितना बड़ा, पर आई डोंट नो क्रोम में इतनी जल्दी रस्टिंग कैसे होने लग गई है, देखो ये रस्टिंग होने लग गई है क्रोम में, तो क्वालिटी चेक यहाँ पे देखने को मिल जाता है सुजुकी का। कि अंदर चढ़ने से पहले एक बार आप लोग को इसकी की भी दिखा लूँ तो टिपिकल सुजुकी नेक्सा की अपन लोग को देखने को मिल जाती है। लॉक अनलॉक हाई राइडर की भी सेम ही की है, टोयोटा वालों ने अलग से की नहीं बनाई, बस जो पीछे है उसमें टोयोटा का लोगो डाल दिया। बाकी लॉक अनलॉक दो ही स्विच देखने को मिलते हैं, ये देख लो गाड़ी अनलॉक करते हैं एंड अंदर चलते हैं। तो जैसे आप अंदर खोल के फर्स्ट इंप्रेशन देखोगे तो कुछ इस टाइप का देखने को मिलने वाला है। बाकी यहाँ पे देख लो चारों पावर विंडोज देखने को मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ORVM कंट्रोल यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं कुछ इस टाइप से, लॉक अनलॉक का नॉर्मल सुजुकी की तरह वो यहाँ पे एंड पावर स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी रियर व्यू मिरर यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा चलाना हो तो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। HUD भी आती है इसके अंदर, हेडसअप डिस्प्ले जो कि यहाँ पे वो यहाँ से चालू हो जाती है एंड जो आप लोग को MID एडजस्ट करनी है वो यहाँ से सब कुछ हो जाती है, हेडलाइट लेवलर यहाँ पे है। बाकी अंदर चलते हैं, अंदर चलने का तो फीचर्स की बात करते हैं। तो ड्राइवर सीट देखोगे तो ये आप लोग को मैनुअल कंट्रोल के साथ देखने को मिलते हैं, हाइट एंड रिक्लाइन एंगल सब कुछ मैनुअली देखने को मिलता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल नहीं है, तो ये जरूर से था। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल दे देते एट लीस्ट ड्राइवर सीट साइड, मेमोरी वगैरह नहीं देते तो चलता, बट यहाँ पे आई थिंक एक इलेक्ट्रिक कंट्रोल की जरूरत है। सीट्स अपन लोग को लेदर की देखने को मिल जाते हैं, टॉप एंड वेरियंट है तो ये चीज तो अपन एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। दोनों फ्रंट वाली सीट्स वेंटिलेटेड है, मोड्स यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। भाई बैठते ही आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये चालू कैसे नहीं है, तो भाई रियली सॉरी, क्योंकि जो गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट में होती है ना एंड PDI करते समय ये चालू कर देते हैं कंपनी वाले, पर अभी इसकी बंद करके रखी गई है एंड वहाँ पे कोई पिन वगैरह लगती है फ्यूज वगैरह में तो वो अभी लग नहीं रही। बाकी ग्रैंड विटारा एंड जो हाइराइडर है दोनों का सेम ही है, टोयोटा के हाइराइडर ग्रैंड विटारा का, आप लोग मेरी वो वाली वीडियो भी जाके चेक कर सकते हो। इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है, स्मूथ इंटरफेस है, कोई लैगी इंटरफेस आप लोग को देखने को नहीं मिलने वाला है एंड सारी चीज फोन कनेक्ट है, डैशबोर्ड चाहिए गाड़ी का वो सारी चीज यहाँ पे आप लोग को आ जाएगी, पर अभी डेटा अवेलेबल नहीं है। बाकी ऑटो IRVM अपन लोग को इसके अंदर देखने को मिल जाता है, कोई भी वो डंडी वाला सिस्टम नहीं है, मैनुअल ऑटोमेटिक है, ये काफी बढ़िया चीज है।
सनशीट है। यहाँ पे अपन लोग को ड्राइवर साइड भी एक हेलोजन लैंप के साथ अगर ये वैनिटी मिरर दिया है तो काफी बढ़िया चीज है। को ड्राइवर के दिखाऊं तो को ड्राइवर में भी अपन लोग को वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है हेलोजन लाइट के साथ। सनरूफ यहाँ पे ये इसके ऊपर, पर इसका पर्दा मेरे को हाईराइडर में भी पसंद नहीं आया एंड इसमें पसंद नहीं आया क्योंकि ये ना पर्दा ना काफी ये पतला सा है। ये देखो जैसे ये पल दिखाऊं ना, ये बहुत ही ज्यादा पतला सा एंड सनलाइट सीधे अंदर आ रही है वहां से, देखो सूरज भी साफ साफ विजिबल है। तो ये थोड़ी बहुत चीजें हैं, बाकी ऐसे और कोई ज्यादा मेजर दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख लो प्रॉपर अपन लोग को ये देखने को मिल जाता है एसी वगैरह, हजार्ड लैंप का बड़ा सा गोल गोल करके स्विच यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी कितने पे एसी चाहिए, कितने टेम्परेचर पे चाहिए, वो सारी चीज भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ट्रैक्शन ऑन ऑफ का यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पे एंड एक यूएसबी चार्जर यहाँ पे। बाकी ये है कुछ गियर नॉब, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ अभी अपने सामने खड़ा हुआ है, रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव एंड ये पार्क मोड, वो सारी चीज। ईवी मोड पे आप लोग को चलानी हो, शिफ्ट करनी हो, तो जैसे आप इसको दबाओगे गाड़ी ईवी मोड पे शिफ्ट हो जाएगी। ड्राइव मोड्स आ जाते हैं इसके अंदर अपन लोग के, 3-4 ड्राइव मोड्स आ जाते हैं, वो भी आप आराम से सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे इको, स्पोर्ट्स, वो सारी चीज। हाईराइडर के अंदर भी कुछ इसी टाइप का सेम टू सेम, कुछ नहीं भाई, 100% डिटो कॉपी की कॉपी हाईराइडर के अंदर आ जाती है। तो आप हाईराइडर वाली वीडियो जाके चेक कर सकते हो। बाकी लेदर फिनिश अपन लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ये देखो भाई बिल्कुल लेदर फिनिश, जो काफी बढ़िया चीज है। ब्रॉन्ज कलर के एलिमेंट्स यहाँ पे यूज करके रखे गए हैं, देखने में काफी बढ़िया दिख रहे हैं। ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है जिसकी स्टोरेज स्पेस डिसेंट से एंड काफी बढ़िया चीज लग रही है एंड अच्छा खासा स्पेस है, ज्यादा कोई कम नहीं है। बाकी यहाँ पे देख लो ऊपर लाइट देखने को मिल जाती है, दोनों हेलोजन लाइट्स हैं। बाकी रियर में चलते हैं, कंफर्ट वाइज गाड़ी कैसी है उसकी बात करते हैं। रियर में आके बैठ चुका हूँ एंड कंफर्ट में एज सच मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही, 6 फीट मेरी हाइट है एंड उस हिसाब से आप नी रूम देखो काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। थाई सपोर्ट दिखाऊं, थाई सपोर्ट भी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। एक दिक्कत जरूर से फील हो रही है, ये जो हेडरेस्ट है ना ये मेरे पीठ पे चुभ रहा है, मतलब छोटा पड़ रहा है। अब जैसे अभी ये बड़ा कर दिया, अब ये मेरे साइज के हिसाब से यस अब फिट आ चुका है, बाकी जब ये नीचे रहेगा तो जरूर से चुभने वाला है, तो इसको ऊपर करके ही चलाना। बाकी टॉप मॉडल के अंदर ये अच्छी चीज मिल जाती है, बीच में भी हेडरेस्ट है जो कि काफी बढ़िया चीज है। बाकी आर्मरेस्ट अपन लोग को देखने को मिल जाती है अच्छी खासी, स्टडी नहीं बोलेंगे, ये ऐसे नीचे लटक भी जाती है। बाकी दो कप होल्डर आर्मरेस्ट के अंदर देखने को मिल जाते हैं, काफी बढ़िया चीज है। रियर में एसी देखने को मिल जाता है, दो पावर आउटलेट्स देखने को मिल जाते हैं, एक यूएसबी टाइप, ये यूएसबी रहा एंड यहाँ वाला दिखाऊं तो यहाँ वाला अपन लोग को नॉर्मल सी टाइप देखने को मिल जाता है, काफी बढ़िया चीज है। स्टोरेज स्पेस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, एक्स्ट्रा फोन वगैरह आप आराम से रख सकते हो, बीच में काफी अच्छा खासा बम्प है, छोटा बच्चा यहाँ पे बैठ सकता है, बड़े को ऑब्वियसली थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। बाकी पियानो ब्लैक में अपन लोग को यहाँ पे ये सब कुछ देखने को मिल जाता है एंड इसके अंदर एक क्रिस्टल पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है, अगर आप लोग को कैमरे में दिख रहा होगा तो ये देखो छोटी डॉट डॉट दिख रही है ना, ये क्रिस्टल और पियानो ब्लैक की जो थीम दी है ये भी काफी बढ़िया लग रही है। बाकी एज सच इंटीरियर से मुझे और कोई ज्यादा दिक्कत नहीं लग रही, पूरी ब्लैक में ये ब्रॉन्ज एलिमेंट्स यूज किया उसकी वजह से और अच्छा लग रहा है। बाकी बूट में चलते हैं, बूट के स्पेक्स की बात करते हैं। बाकी अगर कार की बूट अनलॉक करनी है तो यहाँ पे नीचे दो बटन है, एक तो रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाते हैं एंड दूसरा बूट के लिए है, तो कंफ्यूजिंग थोड़ा सा हो सकता है बट ज्यादा अगर आप लोग को एक बार आदत पड़ गई तो दिक्कत नहीं होगी। बाकी कुछ इस हिसाब से 373 लीटर्स का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है एंड जो हाईराइडर थी उसके अंदर भी कुछ इसी टाइप का देखने को मिल जाता है। ये नीचे एक सेपरेट पोर्शन लगा के दे दिया गया है क्योंकि यहाँ पे बैटरी वगैरह का सिस्टम है ना हाइब्रिड के अंदर, उसलिए। बाकी पार्सल ट्रे वगैरह सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, टॉप मॉडल है, सब कुछ आप लोग को लगा के मिलेगा कंपनी की तरफ से। बाकी जो इसका स्टेपनी है, स्पेयर व्हील है, वो अपन लोग को नीचे देखने को मिल जाता है वहाँ पे एंड स्पेस सेवर है इसलिए कुछ भी वहाँ पे नहीं है। टूल्स वगैरह दिखाऊं तो टूल्स वगैरह जस्ट इसके नीचे अपन लोग को देखने को मिल जाते हैं जो कि काफी बढ़िया चीज है। आगे चलते हैं एंड स्पेक्स की बात करते हैं, क्या कुछ पावर फिगर्स देखने को मिलते हैं। बाकी अगर कार का बोनेट पुल करना है तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसे इसको प्रेस करोगे बोनेट पुल हो जाएगा। अब बता दूं ये हाइब्रिड के अंदर है, इसके अंदर 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिल जाता है 1.5 लीटर का, जो कि पेट्रोल में भी चलती है एंड नॉर्मल अपनी बैटरी के साथ भी चलती है। 3 सिलेंडर इंजन है। पावर फिगर्स की बात करूं तो 91 BHP तो ये प्रोड्यूस कर देती है एंड 133 न्यूटन मीटर का टॉर्क, 133 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर देती है गाड़ी हाइब्रिड के अंदर, फिलहाल मैं बात कर रहा हूं जब दोनों कंडीशंस में चलती है। बाकी और भी इंजन ऑप्शंस आते हैं, वो सबका डेटा आप लोग को यहाँ पे शो हो रहा होगा। बाकी ऊपर प्रॉपर इंसुलेशन देखने को मिल जाती है, यहाँ पे कुछ इस हिसाब से लॉक वगैरह है एंड इंजन भी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। नीचे अपन लोगों को कवर भी प्रॉपर देखने को मिल जाता है। अब एक बार आप लोग ग्रैंड विटारा की थ्रिल सुन लो, कुछ हिसाब से बेसिक थ्रिल है, ना तो लाउड है एंड ना ज़्यादा वो कान को चुभने वाली है, बिल्कुल बेसिक सी थ्रिल है। मुझे तो ग्रैंड विटारा पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती है, टोयोटा हाईराइडर, ग्रैंड विटारा, कोई सी भी गाड़ी उठा लो दोनों एकदम डिट्टो सेम ही है। मैंने अभी पर्सनली फील किया है दोनों को, आप लोगों ने भी दोनों को देखा होगा तो ये चीज़ ज़रूर से नोटिस की होगी। बाकी मुझे तो ग्रैंड विटारा काफ़ी अच्छी लगी, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।